केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिवसीय मतदाता जागरूकता अभियान आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में शुरू हुआ। ये अभियान लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया गया है और इसे अपने मत का मूल्य पहचानना नाम दिया गया है। अभियान के तहत आयोजित जागरूकता रैली को उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के फील्ड एग्जीबिशन अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाना है। हिमाचल में अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसको हम स्वीप कहते हैं, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतदान का, अपने वोट का उपयोग करें ताकि जो लोकतंत्र का मंत्र है, सशक्त लोकतंत्र जो है, वो आप और हम सब के वोट से आता है, जनता के वोट से आता है। तो हमारी कोशिश है इस अभियान के माध्यम से, दो दिन का ये अभियान है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, कि लोगों को, बच्चों को जो आने वाले वोटर्स हैं उनको जागरूक करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने जाएं, अपने मत का उपयोग करें। इसके अंतर्गत आज कुछ प्रतियोगिताएँ यहाँ पर डाइट में हम आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही रैली का भी एक आयोजन है, जो मतदाता जागरूकता रैली है वो भी छात्रों द्वारा निकाली जाएगी। और मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो कि अपने वोट का, अपने मत का जो है उपयोग कर सके।